नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज। मैं तुषार आपके साथ, स्वागत है आपका आज के हमारे इस खास प्रोग्राम में जिसका नाम है देश की सच्चाई। दरअसल देश की सच्चाई आखिर है क्या? इस वक्त देश में चुनाव चल रहे हैं। मध्य प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मिजोरम, 5 राज्यों में चुनाव है। ये देश की सच्चाई है या फिर ये देश की सच्चाई है कि एक तरफ दिल्ली में प्रदूषण बहुत ज्यादा है, एक तरफ यहाँ पर जिस तरीके से बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, एक तरफ लोगों के अंदर यहाँ पर भुखमरी बहुत ज्यादा है, एक तरफ बच्चों की स्कूल की फीस भरने के लिए माँ बाप के पास पैसे नहीं है, महंगाई बढ़ रही है। आपको बता दें, एक तरफ ये देश की सच्चाई है या फिर एक तरफ देश की सच्चाई ये है कि चुनावों को देखते हुए लगातार ईडी सीबीआई जो अपोजिशन पर हमले कर रही है, चुनावों को देखते हुए लगातार तमाम पार्टियां सब एक दूसरे पर जिस तरीके से आरोप लगा रही हैं, ये देश की सच्चाई है। इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त शामिल है ऋतिक, और उनसे हम पहला सवाल लेना चाहेंगे कि ऋतिक, देश की सच्चाई आखिर है क्या? देश की सच्चाई यह है जहां एक तरफ जनता की जो प्रॉब्लम्स है वो, या फिर जिस तरीके से चुनावों में जो नेता सभी इस वक्त इससे पहले जमीन हवा में उड़ रहे होते हैं, वो चुनावों पर जमीन पर आकर बड़े बड़े वादे करने लग जाते हैं जबकि वो वादे असलियत में खोखले होते हैं। देखिए, देश की सच्चाई की हम बात करें, आपने ईडी सीबीआई का जिक्र किया, तमाम स्वतंत्र एजेंसियों का जिक्र किया, लेकिन जब देश की सच्चाई की बात करें तो सच्चाई ये भी है कि ईडी सीबीआई जो तमाम स्वतंत्र एजेंसियां हैं वो ठीक से काम करें। देश की सच्चाई ये भी है कि अगर कोई मुख्यमंत्री घोटालेबाजी में पकड़ा जाता है तो वो ईडी के सवालों का जवाब दे। देश की सच्चाई तभी कहलाएगी जब जो है कोई मुख्यमंत्री सट्टेबाजी में पकड़ा जाता है, उसको अस्वीकार कर देता है लेकिन सवालों से बचता है। तो मुझे लगता है कि सबसे पहले इन तमाम घोटालेबाज मुख्यमंत्रियों को, सट्टेबाज मुख्यमंत्रियों को ईडी सीबीआई के जवाब देना चाहिए, तब आप देश की सच्चाई के तौर पर देखे जाएंगे। क्योंकि आप लगातार देख सकते हैं कि देश की सच्चाई के तौर पर जो आपने अपनी प्रस्तावना में कहा कि बड़े बड़े वायदे कर दिए जाते हैं चुनाव के पहले, जुमलेबाजी की जाती है, झूठ फैलाया जाता है कि आपको ये इतना पैसा दिया जाएगा आपके खाते में, आपको जो है ये सुविधाएं दी जाएगी, आपके लिए बस फ्री कर दी जाएगी, आपको राशन दिया जाएगा, तो आप समझ सकते हैं कि देश की सच्चाई, देश की हकीकत के लिए जनता वोट करती है कि शायद लोकतंत्र बचा रहे, लेकिन हमारे जो नेता हैं, जो आला कमान है, वही जो है देश की सच्चाई को खत्म करने का काम करते हैं। तो मुझे ये लगता है कि जो ईडी सीबीआई की निष्पक्षता पर सवाल खड़ा हो रहा है ये गलत है। ईडी सीबीआई पर कोई सवाल खड़ा नहीं होना चाहिए क्योंकि वो स्वतंत्र एजेंसियां हैं। हालांकि प्रश्न चिन्ह ये है कि जो है वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आता है, दबाव हो सकता है, लेकिन उनका काम है सच को दिखाना। अगर यहां पर सीएम भूपेश बघेल की हम बात कर लें, अगर उन्होंने गलती नहीं की है, अगर सट्टेबाजी नहीं हुई है, अगर 508 करोड़ का मामला सामने नहीं आया, तो आप जवाब दीजिए, दूर क्यों भाग रहे हैं? अरविंद केजरीवाल को आप देखो, बता दें आपको यहां पर गुजरात हाईकोर्ट से झटका लगा है। गुजरात हाईकोर्ट ने साफ तौर पर यह कहा है कि आप देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से डिग्री पूछने वाले हैं कौन? आखिर क्यों आपको तीसरे पर्सन को हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री दिखाएं या दिखाने की बात करें? और इसको लेकर अमित शाह भी पहले जो है बयान दे चुके हैं कि आप देखिए डिग्री ये है। तो फर्जीवाड़े मामले में अरविंद केजरीवाल को इसलिए लपेटा जा रहा है कि आपने फर्जी डिग्री को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरा, लेकिन आप राघव चड्ढा को भूल गए कि राघव चड्ढा ने 5 सांसदों के फर्जी हस्ताक्षर कर दिए थे। आपने राघव चड्ढा पर लताड़ नहीं लगाई। फिर सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर फैसला दिया, डीवाई चंद्रचूड़ ने साफ तौर पर कहा कि आप अभी युवा जो है यहाँ पर नेता हैं और आपकी राजनीति अभी शुरुआत हुई है, तो आप यहाँ पर सभापति से माफी मांग लेंगे तो ठीक रहेगा। तो देश की सच्चाई यही है कि अगर नेता खुद से सच्चे हो जाए, लोकतंत्र के जो मूल्य है उनकी हनन जो कर रहे हैं उसको रोक दें, तो कहीं ना कहीं देश की सच्चाई ये कहलाएगी। तो सर जी, तो जिस तरीके से ऋतिक ने बताया, देश की सच्चाई ये है कि जहां पर जितने भी भ्रष्ट नेता है इस वक्त, उन पर जो ईडी और सीबीआई का शिकंजा जो कस रहा है वो कसता रहना चाहिए। देखिए, दरअसल आपको बता दें, इस वक्त अगर हम ईडी सीबीआई की बात करें तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी इस वक्त इतनी ज्यादा यहाँ पर चर्चाओं में है क्योंकि ईडी और सीबीआई का सबसे ज्यादा शिकंजा इस वक्त आम आदमी पार्टी पर चल रहा है, जैसे कि ऋतिक ने भी अभी आपको बताया। और इसी से जुड़ा आपको एक वीडियो दिखाएंगे अरविंद केजरीवाल का, जो इस वक्त उन पर जिस तरीके से ईडी का डंडा चल रहा है और उसका आरोपी वो किस तरीके से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को बता रहे हैं, सुनिए जरा। तो अगर आम आदमी पार्टी ने ये 5 साल में कर दिया, ये दोनों पार्टियां 75 साल में नहीं कर सकती थी क्या? इनकी नीयत नहीं थी, इनकी नीयत खराब थी। हमारी नीयत सही है। दिल्ली के अंदर सरकारी स्कूल अच्छे कर दिए, सारे सरकारी अस्पताल अच्छे कर दिए, कोने कोने में, गली गली में मोहल्ला क्लिनिक खोल दिए, सबका इलाज मुफ्त कर दिया, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, चाहे 5 रुपए की गोली हो चाहे 50 लाख रुपए का ऑपरेशन हो, सारा मुफ्त कर दिया। बिजली मुफ्त कर दी 24 घंटे, पहले 8-8 घंटे के पावर कट लगते थे दिल्ली में, अब 24 घंटे बिजली आती है,
मुफ्त बिजली आती है दिल्ली के अंदर, और वही काम अब सब पंजाब में होने लगा है। पंजाब में बिजली मुफ्त हो गई है, पंजाब में बिजली 24 घंटे आने लगी है, शानदार सरकारी स्कूल बन रहे हैं, 650 मोहल्ला क्लिनिक बन गए, सरकारी अस्पताल ठीक, और वही सारे काम यहाँ किसानों के लिए उन्होंने खूब काम किए वहां पर, वो सारे काम आपके यहाँ भी हो सकते हैं। चाबी आपके हाथ में है। तो देखा आपने किस तरीके से यहाँ पर अरविंद केजरीवाल लगातार बीजेपी को ये कहते हुए दिखाई दे रहे हैं, आप एक अरविंद केजरीवाल को जेल में डाल देंगे लेकिन हजारों लाखों करोड़ों अरविंद केजरीवाल का क्या करेंगे जो देश में इस समय है, उनकी सोच का क्या करेंगे। इसी पर अगला सवाल लेंगे ऋतिक से। ऋतिक, जिस तरीके से यहाँ पर इस वक्त आम आदमी पार्टी काफी ज्यादा मुश्किलों में घिरती हुई नजर आ रही है, चुनाव भी सर पर है, और आम आदमी पार्टी नहीं बल्कि तमाम जितनी भी ओपोजिशन पार्टी है सबका ये कहना है कि ईडी सीबीआई का इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी अपने फायदे के लिए कर रही है, और क्योंकि चुनाव सर पर है तो ऐसे में वो चुनाव जीतने के लिए सब कर रही है, क्योंकि वो डायरेक्टली कई बार आम आदमी पार्टी को हरा नहीं पाई है, इसलिए यहाँ पर ईडी सीबीआई का इस्तेमाल कर वो हराना चाहती है। किस तरीके से देखते हैं? देखिए तो सर, आपने कहावत सुनी होगी यहाँ पर कि हारा वही जो लड़ा नहीं। अगर यहाँ पर अगर भाजपा पार्टी कोशिश कर भी रही है कि आप हार जाएं, या भाजपा पार्टी ईडी सीबीआई को जो है नचा रही है, कठपुतली बनाकर रखी है, तो फिर आपके अंदर वो हिम्मत तो होनी चाहिए कि आप लड़ सकें। अगर ईडी के पास जो है सबूत हैं, उस आधार पर आपको समन भेजा गया, तो आप उन सवालों के जवाब दें। आप क्यों भाग रहे हैं? आप पूछताछ से भाग रहे हैं। और ईडी ने ये बात कही थी कि अरविंद केजरीवाल मेरे समन पर अगर प्रस्तुत नहीं हुए हैं, सामने नहीं आए हैं, जवाब नहीं दिए हैं, इससे मेरा आधा शक और क्लियर हो गया। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर अरविंद केजरीवाल ने खुद के लिए जो है खाई खोद ली। हम ये कहते हैं कि अगर आप एक उंगली दूसरे पर उठाते हैं तो तीन उंगली आप पर भी पड़ती है, क्योंकि आपकी उंगली आप पर ही निशाना साध रही है। तो अरविंद केजरीवाल भले ही कहीं पहुंच के चुनाव प्रचार कर दें, कहीं भी जाकर जो है यहाँ पर अपनी बात को रख लें, जनता को अपने साथ जुड़ने का प्रयास करें, उन्होंने कहा जैसे कि अरविंद केजरीवाल, कई सारे अरविंद केजरीवाल जो है इस देश में काम करेंगे, तो मुझे लगता है कि अगर अरविंद केजरीवाल साफ सुथरी छवि के द्वारा अगर अपने आप को बनाना चाहते हैं और ये कह रहे हैं कि लाखों करोड़ों अरविंद केजरीवाल काम करेंगे, तो पहले आप ऐसी छवि बनाइए, आप जो है ईडी के सवालों का जवाब दीजिए, ताकि जनता तक ये बात पहुंच सके कि हाँ, आप जो बयान देते हैं कि 1947 के बाद अगर कोई ईमानदार पार्टी तो आम आदमी पार्टी है, तो ठीक रहेगा। क्योंकि लगातार देखा जाए तो ईडी सीबीआई अपना काम कर रही है, और अगर भाजपा पार्टी अगर आपको हराना चाहती है तो भाजपा पार्टी को आप तभी टक्कर दे पाएंगे जब आप जनता की नजरों में जो है अपनी छवि को ठीक कर पाएंगे। जी हाँ, तो भाजपा को टक्कर देने के लिए सबसे पहले आम आदमी पार्टी को अपनी छवि को ठीक करना होगा, और इस वक्त तमाम ये सवाल भी उठते दिखाई दे रहे हैं कि अपने आप को कट्टर ईमानदार कहने वाली पार्टी आम आदमी पार्टी इस वक्त एक बड़े कलंक की खाई में गिरती हुई नजर आ रही है, यानी कि एक बड़ा दाग उन पर भ्रष्टाचार का लग चुका है जो इतनी जल्दी मिटने वाला नहीं है जब तक कोई बड़ा फैसला नहीं आ जाता है, और ये दाग ऐसा लगा है कि अब दिल्ली के साथ साथ देश भर की जनता के अंदर ये शक पैदा होने लगा है कि कहीं आम आदमी पार्टी ने सच में कोई घोटाला तो नहीं किया है। बहरहाल आज के हमारे इस खास प्रोग्राम में इतना ही। देश की सच्चाई, या हमारा जिस तरीके का प्रोग्राम का नाम है, उसी तरीके से हम मुद्दे भी आपके लिए लेकर आते रहते हैं। अगला मुद्दा आप इस देश की सच्चाई के प्रोग्राम में क्या देखना चाहते हैं, नीचे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और जुड़े रहें, देखते रहें नेक्स्ट टाइम न्यूज़। धन्यवाद।